बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आशा कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ तारक रोटी, बहुत ही मशहूर और बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखें कितनी टेस्टी बनी है बिरयानी। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने 2 पीस या कड़ी पत्ता बे लीफ लिया है, 3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे, 3 पीस सब्ज इलायची के ऐड करेंगे, 3 पीस काली बड़ी इलायची के ऐड करेंगे, 1 पीस चाय स्पाइस ऐड करेंगे, बादियान का फूल, आधी इंच से भी थोड़ी जायफल का पीस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जवत्री ली है, हमने पूरी जवत्री नहीं ऐड करनी, ये हमने एक जवत्री का जो है वो चौथा हिस्सा ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो बिरयानी के लिए बिरयानी मसाला बनाया है, तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हमने 1 किलो बिरयानी के लिए बिरयानी मसाला जो है वो रेडी कर लिया है, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे, अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप बिरयानी के अंदर जिंजर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ये 4 हरी मिर्च हैं, तो अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे वॉश कर लिया था और इसके ऊपर की डंडी जो है वो भी हमने रिमूव कर दी है। 5 पीस जो है वो हमने गार्लिक के लिए हैं, तो अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो तारक रोट की बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप जो है वो ऑयल लिया है, और अब हम इसके अंदर 1/2 किलो जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को हमने कट कर लिया है और हमने टमाटर के छिलके जो है वो रिमूव कर दिए हैं। अब हम टमाटर को 4 से 5 मिनट ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, और साथ साथ हम टमाटर को चम्मच की मदद से मैश भी कर देंगे। टमाटर को ऑयल में फ्राई करने से टमाटर जो है वो जल्दी से नरम हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाया था, और इसको भी थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। 7 से 8 पीस हम आलू बुखारे के ऐड करेंगे, ड्राई एप्रिकॉट। अब हम मसाले में 2 गिलास पानी के ऐड कर लेंगे। अभी जब हमने बिरयानी मसाला ग्राइंड किया, अब हम इसे ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड करेंगे, 1/2 किलो आलू ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे, आलू को भी और मसाले को भी। मेकिंग वीडियो एंड ईटिंग मैंगो। आलू को जो है वो हमने सिर्फ 3 मिनट कुक किया है, तब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन जो है वो हमने यहाँ पर 1 kg ली है। चिकन के साथ जो है वो आलू कुक हो जाएंगे, इसलिए हमने आलू को ज़्यादा अच्छे से कुक नहीं किया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तब हम चिकन और आलू को 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। जितनी देर तक हमारे चिकन और आलू कुक होते हैं, उतनी देर तक हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। तो राइस बॉईल करने के लिए यहाँ पर हमने पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम इसके अंदर 3 पीस है वो इलायची के डालेंगे, 2 पीस बे लीफ कड़ी पत्ता डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे, हमने मसाले के अंदर भी नमक ऐड किया था। अब हम इसके अंदर 1 किलो जो है वो चावल ऐड करेंगे। चावलों को हमने पहले से धोकर भगो दिया था, हमने चावलों को पूरा अच्छे से कुक नहीं करना है, हमने चावलों को जो है वो बाकी मसाले के अंदर कुक करना है। आलू और चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गए हैं, अभी आप देख सकते हैं। अभी आलू और चिकन ने दम में भी कुक होना है। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जर्दा कलर ऐड करेंगे, जर्दा कलर से जो है वो कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये देख सकते हैं चिकन के ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है जर्दे रंग की वजह से, जर्दा रंग की वजह से। ये जो ऊपर ऑयल नजर आ रहा है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये जो हमने ऑयल निकाला है, इसे हम लास्ट में डालेंगे चावलों के ऊपर। अभी जो हमने चावल बॉईल किए हैं, अब हम इसे भी डाल देंगे मसाले के अंदर। हम बिरयानी मसाले के अंदर जो है वो गरम गरम चावल ही ऐड करेंगे, ठंडे ठंडे चावल नहीं ऐड करने। पुदीना ऐड करेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। हम इसके ऊपर थोड़ा सा और पुदीना ऐड कर देंगे, जितने ज़्यादा आप पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे उतनी अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी से। 1 लेमन ऐड कर देंगे। ये जो अभी हमने ऑयल निकाला था, तब हम इसे ऊपर से डाल देंगे। तब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पे। तो अब तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए चावलों को दम के ऊपर रखे, ये देख सकते हैं। अब हम चावलों को
मिक्स कर लेंगे। चावल से ज़रा थोड़ा मिल जुल लें। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। अब हम बिरयानी को प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। आहा मज़ेदार बिरयानी। तो अब हमारी मज़ेदार और जायकेदार सी तारक रोड की मशहूर बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे आप लास्ट में कमेंट बताना कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।